ईस्वी 1712 में औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जहादार शाह बादशाह बन गया। पर बाद में जहादार शाह के भतीजे फर्रुख सियार ने जहादार शाह की हत्या करके दिल्ली के मुगलिया तख्त पर बैठ गया। दरअसल औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर होती चली गई। इसी मौके की फिराक में बैठे मारवाड़ के राठौड़ सरदारों ने अजमेर पर दावा बोल के वहां भगवा ध्वज फिरा दिया। इसकी खबर पहुंची दिल्ली कि राठौड़ों ने अजमेर पर कब्जा कर लिया, तो फर्रुख सियार ने भारी सेना अजमेर भेजी और अजमेर को फिर से जीत लिया। मारवाड़ के राठौड़ सरदार इस हार की खबर लेकर पहुंच गए जोधपुर अपने राजा के पास। वो राजा जो स्वयं दुश्मनों के लिए काल के स्वरूप थे, वीर दुर्गादास राठौड़ ने जिन्हें गोरिल्ला युद्ध और शत्रु को ध्वस्त करने की शिक्षा दी हो, जो स्वयं रक्त से अभिषेक करते हो, विशाल सेना, बड़ा साम्राज्य, केसरी पगड़ी और फौलादी जिगर, जिसका नाम था जसवंत पुत्र महाराजा धीराज मारवाड़धनी अजीत सिंह राठौड़। अजीत सिंह राठौड़ पराक्रमी और सूरवीर थे, तलवारबाजी के महारथी और हाथ में भाला घुमाकर फेंकने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें बिना सोचे समझे हमले करने में महारत हासिल थी। इनका अंतिम लक्ष्य ही जीत थी, भले ही कितनी बार परास्त होकर क्यों न लड़ना पड़े। हुकुम ने सुना कि उनके सरदारों पर मुगलों ने हमला किया तो इनकी आंखों में लाल रक्त बहने लगा। तलवार को मरोड़ते हुए दिल्ली पर हमला करने का आदेश देने ही वाले थे कि राजपुरोहितों ने महाराज को रोकते हुए कहा कि ये मारवाड़ के लिए अशुभ समय है। राजपुरोहितों ने कहा, आक्रमण से पहले आप फर्रुख सियार से मिलाओ। राजपुरोहितों के अनुसार हुकुम पहुंच गए दिल्ली दरबार में। फर्रुख सियार ने महाराज से बोला, अगर अजमेर चाहिए तो आपकी पुत्री इंद्रकौरी का विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। जैसे ही महाराज अजीत सिंह ने यह सुना तो गर्म खून हाथों को तलवार की तरफ ले गया। वही एक समझदार जाट सरदार चूड़ामन बैठे थे, उन्होंने अजीत सिंह से कहा, महाराज आप राजपूत हैं, मैं जानता हूँ आपके जवाब आपकी तलवार देती है, आप इस मुगल की गर्दन उड़ाए बिना नहीं रहेंगे, पर कुछ सोच के यहाँ उत्तर दीजिएगा, वैसे आपके महल में भी तो खूब दासियां होगी। जाट सरदार की बात अजीत सिंह को समझ आ गई और जोधपुर की एक दासी का विवाह फर्रुख सियार से कर दिया गया। अब होती है मारवाड़ नरेश अजीत सिंह की वीर गाथा की शुरुआत। उससे पहले आप इस वीडियो को जमकर लाइक करिए ताकि हिंदुओं का सच्चा इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और लोगों की बुद्धि में कुछ प्रकाश पड़े। चलिए शुरू करते हैं। महाराज अजीत सिंह मुगलों के पहले से ही कट्टर दुश्मन थे, पर अब उनको मुगलों पर कहर ढाने का कारण मिल गया था। अपनी तलवार को देखते हुए उन्होंने कसम खाई कि जिस भरे दरबार में इस क्षत्रिय का अपमान हुआ उस दरबार की नींव को हिलाकर रखूंगा, और एक पत्र लिखा जाट सरदार चूड़ामन को, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं युद्ध का शंख फूंकने जा रहा हूँ, मल्लेथों पर अब राजपूती तलवार कहर ढाएगी। इस पत्र के जवाब में जाट सरदार चूड़ामन ने लिखा कि जब निर्णय हो चुका है तो ये चूड़ामन भी अपनी दहाड़ सुनाएगा, रक्त की नदियां बहा देंगे, भगवे का सम्मान बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। इसी ललकार के साथ एक महान सेना का निर्माण किया गया। जाट और राजपूतों की संयुक्त सेना निकल पड़ी दिल्ली की तरफ, हाथ में भगवा मुख पर भवानी, मस्तक पर केसरी, ये वीर था अजीत सिंह। लाल किले पर हिंदवी सेना के हमले की खबर संपूर्ण राजपूताने और अफगान में फैल गई। इसी के साथ महाराव भीम सिंह हाड़ा, महाराज गज सिंह नरवरी, अफगान सरदार नजामुद्दीन अली खान ने अपनी सेनाएं अजीत सिंह की सहायता के लिए लाल किले के लिए रवाना कर दी। किले के हर कमरे में मुगलिया सैनिकों को काट दिया गया। ये महान सेना महल के कोने कोने में फैल गई। जाट सरदार चूड़ामन ने लाल किले के मुगलिया ध्वज को हटाकर भगवा ध्वज बुलंद कर दिया। तभी 50,000 की मराठा फौज हर हर महादेव की ललकार के साथ लाल किले की तरफ बढ़ रही थी। लाल किले में खूनी संग्राम शुरू हो गया। ये अखंड हिंदुस्तान की सभी जातियों की संयुक्त सेना की ललकार लाल किले में हर हर महादेव, जय शिवाजी की ललकार दे रहे थे। मराठाओं ने संपूर्ण दिल्ली को घेर लिया और मराठा केसरी ध्वज फहरा दिया। तभी मोहम्मद अमीन खान की बहादुर और जकारिया खान ने अपनी विशाल सेनाओं को लेकर मराठाओं पर हमला कर दिया। इसी के साथ घमासान युद्ध शुरू हो गया। मौका देखते हुए जाट सरदार चूड़ामन ने किले के ऊपर चढ़कर युद्धघोष का ऐलान करते हुए शंखनाद कर दिया। शंखनाद के साथ ही हिंदवी सैनिक मल्लेशों पर काल बनकर टूट पड़े। जाटों ने किले के ऊपर से मुगलों को खदेड़ना शुरू किया। वहीं नीचे राजपूत और मराठा मोर्चा संभाले थे। मुगलों को करारे जवाब मिल रहे थे। लाल किला वास्तव में रक्त से लाल हो गया। तभी हाथों में तलवार लिए हर हर महादेव की ललकार देते हुए वीर अजीत सिंह ने किले में प्रवेश किया। अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुख सियार की आंखें फोड़कर उसकी गर्दन धड़ से अलग करके मुगलिया तख्त पर स्वयं विराजमान हो गए। 17 फरवरी 1719 को दिल्ली राठौड़ों के छत्र के नीचे अधीन हो गया। हिंदवी सेना ने लाल किले के दीवाने आम में अपना निवासी स्थान बनाया और ढोल नगाड़े के साथ महादेव की जयकारे देने लगी। अजीत सिंह ने अजमेर सहित राजपूतानी के मुगलिया किले खाली करवाने शुरू कर दिए। अंत में मुस्लिम सैयद बंधुओं के निवेदन को मानते हुए 3 दिन बाद अजीत सिंह ने रफी उदर जात का हाथ पकड़कर मुगलिया तख्त पर बैठा दिया। अजीत सिंह के आदेश से हिंदुओं पर लगा जजिया कर हटा लिया गया, गो हत्या रुकवा दी गई। जाते जाते अजीत सिंह ने फर्रुख सियार को त्रिपोलिया दरवाजे पर लटका दिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में अंग्रेज अधिकारी जोनाथन स्कॉट ने अपनी आंखों देखा हाल लिखा है। महाराज अजीत सिंह के बचपन का एक हिस्सा मुगलिया दरबार में बीता था, जहां से वीर दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी वीरता से औरंगजेब को चकमा देकर जोधपुर रियासत और यहां के भविष्य अजीत सिंह को बचा लिया। पर 20 साल तक जोधपुर को औरंगजेब ने खालसा घोषित कर रखा था और 20 साल तक बालक अजीत सिंह काबू में रहे। जब अजीत सिंह बड़े हुए तब उन्हें वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर ले आए और उनका राजतिलक किया। इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में अजीत सिंह की वीरता के बारे में अनेक सी किताबें मिल जाएगी, पर हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ इतना मिलता है कि अजीत सिंह ने टाटों के साथ मिलकर दिल्ली के शासक फर्रुख सियार को मारकर उसकी आंखें फोड़ दी थी। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए डिमांडिंग पंडित से।